आधा लाइव खाली नोमा इसके बाद आपकी कमी है सुजीत खाना खा रहा है, अभी आ रहा है सुजीत। शान कमेंट्री करेंगे, वही कमेंट्री करेंगे। जैद कमेंट्री कर रहा है, लाइक को शेयर करते जाइए, पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। अब आगे एक दो और टूर्नामेंट होने वाले हैं, आप लाइक और फॉलो कीजिए। जो है टूर्नामेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, अगर आप लोग पेज को लाइक किए रहेंगे तो आपको कहाँ टूर्नामेंट होने वाला है, कब टूर्नामेंट होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, जैसे ही कहीं का लाइव स्टार्ट होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये मैच खेला जा रहा है बिसहम में। माजरत चाहूंगा, दौड़ा नहीं आ पाएगा टूर्नामेंट
मैं कहो तुनाने के दिखा दो तब तक तुनाने जो ना दूसरा काम में लग गया यार भाई कौनो बात है उलाई भी आपका जिसको अपना टूर्नामेंट लाइव करवाना हो वो कमेंट किसी से मेरा नंबर ले लो और कांटेक्ट कर लेना भाई काम को अंजाम दीजिए अब हम चले कर तो मैं देख रहा हूँ मिस्टर आपका मगर गीत कराने के लिए तैयार है पहला विकेट गिरा अर्शद भाई यहाँ रूल आउट है साजिद भाई किसी से मेरा नंबर लेके कॉल करिए भाई सुबह तो दो मिनट की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड है 13 एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज साजिद भाई ने कहा अरे वो कमरा हुआ अच्छा माहौल वही से तो मैं स्टार्ट किए लोग ये फॉलो करेंगे इस बार अच्छी गेंद समझ ना सकते हैं और गेंद धक्की पर किधर स्टार में या समय काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाई इस वक्त दामपुर एक ऐसा इंद्राम का तेज हफ्ता का गेंद मार चुकी है सीट में खड़ा है हमजा दामपुर जीत गई दामपुर की सरजमी का हफ्ता बस जा इस बार अच्छी शॉट लेसिंग के लेसिंग के अच्छी भी एक रन आसानी के साथ चुका लिया मैसेज करिए मैं आपको नंबर देश को मैसेज करिए आपको शहजाद साजिद भाई आपका नंबर आपका मैसेज मिल गया है सुबह मैं आपको रिप्लाई दूंगा अभी मैच रात भर चलेगा तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा पेज को लाइक और शेयर करते जाए मेरे दोस्तों पेज को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करते जाए ताकि अगला मैच जब भी हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे दूसरे एडमिन साहब लगे हुए हैं आपको मेरा नंबर भेज देंगे पेज को लाइक और फॉलो करते जाए रहमत भाई आपकी आग चमक रही है रहमत भाई लगातार अच्छी गेंदबाजी करा रही है यहाँ से देखा जा रहा है कि अब शहनवाज को भी चोट लगी है
पासवर्ड रख देना तोरे जान पहचान है। चोट लग गई है भाई बल्लेबाज को। मुस्तकीम जरा इनको मेरा नंबर साजिब करके मैसेज आया उनको मेरा नंबर भेज देना प्राय मेहरबानी भाई। पुरानी बरा बुरा ना माने एक सवाल कि आप इतनी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट में पहुंचते हैं और पूरी रात जागते रहते हैं, नेट का खर्च अलग से आता है तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। अर्शद भाई अब जो है पहले तो कुछ नहीं मिलता था लेकिन अब आप लोग की मोहब्बतों से और आप लोग जो है लाइव देखना चाहते हैं तो कमेटी बुलाती हैं तो खर्चा वर्चा मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बार हुई राजिक शेख मेरा नंबर मैसेज किया उन्होंने मुस्तकीम, उन्होंने मैसेज किया हुआ क्या याद भाई? ठीक है अभी यही खाना खा के आ रहा हूँ खान है ही तो थे इसके बाद नुमान एंड कंपनी का मैच था भाई। और रमजान के पहले पहले तीन चार टूर्नामेंट की बात चल रही है तो आप लोग अपने अपने टूर्नामेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार के पटवी के और मामा के काम होता हूँ और सीधे सीधा आप ही मारे घर बाहर क्या करने के लिए इस शॉट की मदद से स्कोर बन जाओ और जाओ नीचे से आपकी आवाज से हम लोगों का सीमा रेखा के बाहर क्या करने के लिए। असल में सब फालतू सवाल पूछने लगते हैं इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ भाई। फरार की सामने भी जहाँ से भी वो घंटे मौत से आकर मिले बना तब घुमाई काफी लंबा भाई ये मैच कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है शुक्रिया आप लोग का सपोर्ट चाहिए। पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। आप लोगों ने लाइक और फॉलो नहीं किया है लगभग 20 लाख लोग जो है मेरे पेज पे आना जाना लगा हुआ था। एक हफ्ते पहले तक खरेवा में जो मैच होने वाला था उसका जब मैंने चालू किया तो मेरे पेज 20 लाख लोगों का था।
लेकिन लोग अगर लाइक और फॉलो कर ले इतना अच्छा है। भाई सलाम दुआ फोन करके आप कर लीजिए, खिलाड़ियों को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ये मैं आप लोग जान लीजिए भाई, किसी का सलाम दुआ और है मेहरबानी, बुरा ना मानिएगा लेकिन सलाम दुआ ठीक है। आप जितने लोग हैं सब लोग लाइक और फॉलो कर लीजिए, अभी रमजान के पहले पहले बहुत सारे टूट जाए कुर्सी गई, होएगा वो काम खत्म, होएगा वो काम खत्म भाई। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 32 रन, और मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आसिम जिसे सर्किल क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर माना जाता है आउट होकर पवेलियन गिरा, मोहम्मद आसिफ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग करना है अपनी टीम के लिए, और एक बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ जिसने पहली गेंद पर उनके पास क्या कला है, और गेंदबाजी करने के लिए मैं देख रहा हूँ तैयार हो रहे हैं इस ओवर में अपने कोटे का दूसरा अच्छी पैरों की तरफ आती और गेंद को लॉन्ग लेंथ की दिशा में जब तक फील होती तब तक आसानी के साथ यहां पर एक रन पूरा कर लिया, अंपायर का फैसला लिख भाई का आता हुआ, तो आज स्कोर इस रन में देख रहा हूं 30 पर जा पहुंचा है, और एक जबरदस्त मुकाबला सिटी क्लब स्टोर वर्सेस उनका मुकाबला टाउनपुर के बीच चल रहा है, इस बार अच्छी गेंद भी बेहतरीन शॉट और गेंद चलेंगे सीधे डिफेंस विकेट की मारे जाने वाले 4 रनों के लिए, बेहतरीन बाउंड्री जिनकी मोहम्मद आसिफ ने सिक्टी का ये नौजवान खिलाड़ी जिसके अंदर क्रिकेट का वो हर फन मौजूद है, और ये हर फन वाला खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं, गेंदबाजी कर रहे इस वक्त गेंदबाज मोहम्मद अर्गम जो अपनी कोटी का ये दूसरा ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी कर दी होगी, अब यहाँ से फील्ड की पोजीशन को देखें तो ये अर्गम ने जो फील्ड लगाई गई है एक लॉन्ग ऑफ को लगाया है, एक गली एक स्लिप एक पॉइंट, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि एक डीप कवर को लगाया है, इस बार गेंद पटकी नहीं गेंद को पुल करने का प्रयास, और एक आसान सा कैच दे बैठे, और यह मोहम्मद आसिम के रूप में एक बड़ी सफलता यहाँ पर अर्जित कर ली है टीम टाउनपुर ने, भैया मेरे साथ उन्होंने अपने माहौल वाले टूर्नामेंट से जुड़े हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कलहा छोटे लड़के लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये सर्किल क्रिकेट है, इस बार बाशिंद की बड़ी प्यारी शॉट सीधे पल्ले से, और गेंद फील्डर ने रोकना चाहा लेकिन रुकी नहीं, सीधा लगा के वहां 4 रन के लिए, और ये एक खूबसूरत बाउंड्री, अब मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आसिम के साथ मोहम्मद आसिम ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन अक्सर मैचों में देखा जाता है कि मोहम्मद आसिम जो अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने आए, आज 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम जाए, सब्जी रहती है कोई रन कोई नुकसान नहीं, और ये जो ओवर चल रहा है अब तक रनों की संख्या 38 के ऊपर रुकी हुई है, कल है नानी टाइम पर एक बेहतरीन बल्लेबाज क्लियर वीडियो चल रही है, अख्तर रहमान भाई के इसके बाद एक मैच बाद है, फील्डरों ने इनका सहयोग नहीं किया जिनका खामियाजा इनकी पूरी टीम चुका रही है, इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करेंगे, राउंड विकेट अच्छी है, और अंपायर का फैसला यहाँ व्हाइट का आता हुआ, एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर टीम ने अर्जित कर लिए हैं, और इसको बोल्ड रनों की
की संख्या जा पहुंची 40 के योग पर। तो अब अर्गम का ये ओवर बड़ा ही मैं देख रहा हूँ शिनी कलेक्शन के लिए साबित होता हुआ बड़ा ओवर साबित हो रहा है। मोहम्मद शमी जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है जिन्होंने एक ओवर में 70 रन की थी जिसमें 7 वाइड और 4 नो बॉल और 6 लीगल डिलीवरी की थी। उसी तरीके से यहाँ अर्गम का ओवर देख रहा हूँ लगभग 9 या 10 गेंदे इस ओवर में की है और इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 41 के योग पर। एक लंबा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ और स्कोर रनों की तरफ हम रुक करें स्कोर है 41 रन। नाउ स्कोर बोर्ड गोइंग ऑन 41 एंड लॉट ऑफ ब्रिगेड गोइंग टू पैरेलल मोहम्मद आसिम सेंडाव इज अ बिग हॉट हिटर मिस्टर सेलमान मिस्टर आतिफ गॉन टू पैरेलल नाउ टू बैट्समैन इन मिडल ऑर्डर मोहम्मद बासिर एज कला बोथ बैट्समैन इज अ प्लेइंग वेरी सुपर फॉर टीम बासिर इज अ वेरी अग्रेसिव प्लेयर बट दिस टाइम इज अ प्ले सम गुड इनिंग्स इन ऑल द टूर्नामेंट इन पूर्वांचल एंड रन गोइंग ऑन 41 एंड लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो ये मैच का सूरत हाल 6+6 ओवर का मुकाबला है और ये बड़ा मुकाबला है और लेकिन मुझे लगता है कि 5+5 ओवर का मुकाबला होता या 4+4 ओवर के भी मुकाबले होने चाहिए क्योंकि ये पहले राउंड के नॉकआउट के मुकाबले हैं। बातें पहले बातें करेंगे और मैं हम बाहर से जाना चाहूंगी जो स्टम्प्स है बातचीत आप स्टम्प्स को सही कर दें यहाँ साफ दिख रहा है कि जो ये जो स्टम्प की लंबाई 28 इंच होती है उसके जो बीच का गैप वो 9 इंच का होता है 5 इंच की गिल्लियां होती है आप उसको सही दुरुस्त कर दें ताकि थैंक यू मासिन आपने अंपायर का काम किया। अंपायर को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए हालांकि फर्स्ट पहले से ही अंपायर का ये काम होता है। इस बार पटकी हुई गेंद और बेहतरीन पुल किया लास्ट बॉल पुल किया लगभग एक काउंट कॉर्नर की दिशा में चली गई 4 रन के लिए मासिन के बल्ले से निकले एक और खूबसूरत बॉल अपनी टीम के लिए सिटी कलेक्शन के लिए स्कोर जा पहुंचा 45 के योग पर। मोहम्मद नुमान की टीम अभी उनका मुकाबला आज अपना बाकी है और बड़ी बड़ी टीमों का आगमन हुआ है हालांकि इसमें मैं नाम लूंगा अभी इसके बाद सहजाद क्लब खरेवा और जौनपुर के बीच मुकाबला है इसके बाद सहजाद क्लब खरेवा और जौनपुर के बीच तो ये नॉकआउट के मुकाबले एक रन यहाँ और बाशिश ने छुड़ा लिया टीम मिडविकेट पर खेल कर हंजला का ये ओवर अच्छा ओवर साबित होता हुआ। सब सो रहे हैं लगता है ना आखिरी ओवर ये चल रहा है हंजला का जो गेंदबाजी कर रहे हैं और लेकिन दावतपुर की भैया असल में एक हफ्ता से मैच लाइव नहीं हो रहा था ना लेकिन अभी पब्लिक हो गई है फिर से पब्लिक को जगाना पड़ेगा एकाग्रता भंग होती नजर आ रही है टीम दावतपुर की। अच्छे गेंदबाज अच्छा इनम बेहतरीन फॉलो थ्रू इस बार बड़ी खूबसूरत टाइमिंग यहाँ देखने को मिली बल्लेबाज से मोहम्मद कलाम से बल्लेबाज लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना छोड़ चेंज कर लिया और निश्चित तौर पर एक रन अपनी टीम के लिए एकत्रित कर लिया स्कोर जा पहुंचा 47 के योग पर। ये जो टूर्नामेंट दोस्तों ऑर्गेनाइज हुआ फरहान शेख की अगुवाई में सतीश यादव अंपायर का फैसला यहाँ वाइट का सबाउर रहमान भाई अफजल शेख शक्ति यादव समाज से रूल आउट क्रिकेट है भाई स्कोर बोर्ड की तरफ हम रुक करें तो एक रन की मदद से 49 के योग पर 6+6 ओवर के मुकाबले में हालांकि बल्ला जरूर छूटा था लेकिन वो क्रीज में बल्लेबाज समय रहते पहुंच गए और जो अंपायर है बड़े ही वरिष्ठ अंपायर है एक अच्छे कमेंटेटर साथ ही साथ सिंह साहब सिधारी से आए हुए हैं मैं इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में और अंपायर की भूमिका अहम भूमिका रहे इस बार बड़े ही लाजवाब अपने इस्तेमाल किया सोनम लेंथ गेंद की अपने पैरों को एक कदम बैकफुट को खींचा गेंद को सिर्फ पॉइंट सीमा लगा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा 53 के योग पर। तो इस चौके की मदद से अभी स्कोर हो गया 53-6 और आखिरी ओवर चल रहा है हंजला गेंदबाजी कर रहे दावतपुर की तरफ से आसिम एंड कंपनी फाइनल जीते के लिए 5,000 इनाम है।
अच्छा अभी मैं बता दूँ, सुजीत शान से बता दूँ क्या वो अनाउंस कर देंगे। पचपन रन का टारगेट है एक दिन का मैच है भैया, एक दिन का, आज ही फाइनल हो जाएगा। इलेक्शन चल रहा है, एक दिन से ज्यादा परमिशन भी नहीं मिल पा रही है। हाँ लाइन में आ गए थे, आप ऐसा काम करो इंशाल्लाह पूरे पूर्वांचल में अपना नाम होगा इंशाल्लाह। हाँ यासिर भाई इंशाल्लाह 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 मिल के कुछ बड़ा करते हैं, जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। शहनवाज भाई आज ही मुंबई से आए हैं, शाम को ये मुंबई से आए हैं और रात में टीम लेकर उतर गए। शहजाद, आसिम, आतिफ, आसिम भी अभी मुंबई से टूर्नामेंट खेल के आए हुए हैं, मैं इनके मैचेस देखा था यूट्यूब पे। और आजमगढ़ का जहीर खान, रफीद मिर्ज़ा, कासिम भी दिखाई दे रहे हैं, कासिम खान जिन्होंने बखरा में ज़बरदस्त बैटिंग किया था, उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कमर आसिफ। लंबे लंबे छक्के मारे थे गाजीपुर की टीम के खिलाफ। फरहान ये समरसेट के खिलाड़ी हैं, अयाज क्लब आजमगढ़ के खिलाड़ी हैं और ये इस मैच के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, फरहान शेख। हाँ भाई डेली हुई हो तो कुछ पल्लव पड़े, एक दिन कितना समय है। हाँ पिछली अब उठ जाती बैठ जाती कुछ अनइवन बाउंस है। बॉलिंग में भी बहुत मजबूत है ये टीम। कमेंटेटर सुजीत शान भाई है, उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाल दीजिए जो जो इनाम लगाना चाहता है। चैनल का नाम प्रिंस मूवीज, मंजीर पट्टी नहीं है लेकिन मंजीर पट्टी के शहजाद तुनाने फोटो में दिखा चुके हो, तुनाने जो पहचाना तो ही गई। मैं आपको बता दूं कि अंजुमन क्रिकेट क्लब मुंबई के लिए क्रिकेट खेली है, उसके अलावा मराठा पंजाब के लिए क्रिकेट खेली, शाहपुर मौलानी का ये वासी है और एक बेहतरीन जहीर खान के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी ये उनके बाद एक और खूबसूरत लीगल भी हुई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अरकम के चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल, लेकिन अच्छी खेल मैं कहूंगा क्योंकि जब मैं खेल
बाद उसे नेचुरल जो गोल प्राप्त होता है वो आप कम के आसपास गेंद करेगा। इस ओवर में अगली बार इस बार भी मैं देख रहा हूँ कैच और यहाँ पर टीपू खड़े हैं और बेहतरीन कैच पकड़ा है और अगर ड्रीम इलेवन की टीम होती तो टीपू के खाते में 8 पॉइंट जुड़ जाते लेकिन स्कोर जब पहुंचा मात्र 2 गेंदों पर तो एक और विकेट का पतन होता था। और देख रहा हूँ आसिया क्लास स्टोर जो हाजी समीम मार्केट आवंग रोड पर है जो सबाउ रहमान भाई जिनके ऑनर है वो हमारे इस टूर्नामेंट में बड़ी मेहनत की है। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मुसद्दिक दाऊदपुर भी देखे जा रहे हैं वो भी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार बने हुए मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। और उनकी टीम अभी दाऊदपुर मुकाबला खेल भी रही है और लेकिन अच्छे खेल की जरूरत है 55 रन बनाना है बहुत आगे हम तो मौला खिलाड़ी के हाथों में खेल है और एक अच्छा रन स्मूथ गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद आप स्टंप्स के बाहर जा रही थी गेंद को सीधे बल्ले से खेला कोई रन कोई नुकसान नहीं स्कोर बल्लेबाज इस वक्त जो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए है भैया नुमानन कंपनी है उसका मैच इसके बाद या इसके एक मैच बाद होगा। तो अगर एक बड़ा ऐलान है अगर टीम अयाज क्लब आजमगढ़ इस मुकाबले को जीतती है तो हम सबके बड़े भाई माननीय शिवराज जी की तरफ से 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी अयाज क्लब आजमगढ़ को। सिर्फ ये इनाम उनकी टीम के लिए है और शिवराज जी आपका अनाउंस हो रहा है इसलिए मैंने बोला था क्योंकि वो इस टीम के हिस्सा है और वो इस टूर्नामेंट में भाई को हमसे दूर जरूर है लेकिन भाई कहाँ हो आप बहुत दिन से गायब हैं आप मुलाकात हुई आपने यादव जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लिखता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस जबरदस्त बॉलर लेकिन इनसे बहुत जल्दी मैं ट्रेन करके इसे बहुत आगे तक लेके जाऊंगा कमेंट्री के लिए मैं मोहित के पास चलता हूँ। अच्छा मैंने सुना था कि आप कहीं बाहर गए हुए खेलने गल्फ कंट्री में किसी गल्फ कंट्री में मैच खेल अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद समझ न सके बल्लेबाज एक रन आसानी के साथ पूरा किया। सुनील यादव भाई जो स्कोर क्या पहुंचा 4 रन मऊ के हैं आजमगढ़ यानी नोमान बल्लेबाज का नाम बता दे भाई दोनों बल्लेबाज अपना अपना नाम बता दे उनके ओपनर बॉलर हैं स्पीड स्टार पूर्वांचल हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं ठीक है देखा तेरे साथ इस बार अच्छी गेंद समझ न सके असलम वाइट की मान ने रोकी थी लेकिन पूरी तरह नाकाम दिया बाहर है ना अच्छा उनके सतवा ने कहा नंबर बसर भाई सर अपनी खबर मिली नौमान भाई से कि आप सुनील यादव भाई आप बारायण गए ना खेल है दो रन की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड क्या पहुंचा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद अपनी पहली गेंद विकेट गेंदबाजी इस बार हटी गेंद अंपायर ने इशारा वाइट कर काफी ज्यादा उछाल थी इस गेंद में इसलिए अंपायर ने वाइट करा दिया। मैं बता दूं काशी में इतने बड़े खिलाड़ी इतनी बड़े ही दूर दूर अपने खेल को शो करता है ये किसान की सरजमी में आया था इसी सीजन में पूर्व अंग्रेजी 20 फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें मेरा दीक्षित के अवतार हुए थे उस वक्त ये खिलाड़ी डायमंड क्लब लखनऊ की तरफ से खेल रहा था उसमें आसिम भी मौजूद थे और आसिम भी मौजूद थे इसराम भाई भी मौजूद थे उस टीम में जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी इसराम भाई इस वक्त इस टीम में मौजूद नहीं है काशिम अपनी अगली गेंद लेता नौ नबी किसी गेंदबाजी करेंगे इस बार अच्छी गेंद निकली हमारी असलम की अब असलम की जगह ले आए हमला गड़बड़ आराम किस तरह अपने खेल को शुरू करेगा
काशी मक्की अगली गए इस बार हमजा के लिए काफी लंबा रन अंपायर को क्रॉस किया इस बार अच्छी गुड लेन समझ न सके हमजा के जिला की बड़े दस्तान में जा समझ सीनियर के सामने जूनियर अच्छी चार विकेट के नुकसान तीसरा और तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा सात रन गेंदबाज का नाम बता दें रकी अपने स्पेयर का दूसरा ओवर अपनी टीम का चौथा ओवर लेफ्ट राउंड रहेगी इस गेंदबाज इस बार आप सीख समझ न सके गेंद को गेंद सीधा कीपर के दस्तान में ना मिला के बल्लेबाज का नाम बता दें तो नाम बैग मैच खेलो भी टीम की पैसा था जाल जूता है आज रकीब अपनी अगली गेंद लेफ्ट राउंड द विकेट इस बार अच्छी गेंद समझ न सके आसिफ एक रन आसानी के साथ पूरा किया जब तक शहनवाज गेंद को फील करते फिर रखी बतिया गेंद लेफ्ट विकेट से गेंदबाजी इस बार अच्छी गेंद यहां पर गेंद खुद ही गेंद को फिर किया कोई रन नहीं शहजाद करम खड़े हुआ से जान पूरा कर अपने टॉस करा ले कि इस मैच के तुरंत बाद उनका मैच खेला जाएगा टाइम हमारे पास बहुत कम है भाई रकीब अपनी अगली गेंद लेफ्ट आप राउंड विकेट से गेंदबाजी इस बार अच्छी गेंद बटी गेंद बल्ला भी लग गया चौथा ओवर प्रगति पर अरे तो कहा नमो ना लिए सर कुर्सियां दवालियां सटा ले ना तब ना नाम ना लड़कों टेढ़ी कह दिए ना नहीं तो और जैसे कि मैं बता रहा था कि जो ये ट्रॉफी है MM70 जो मोहम्मद यासीर अराफात ने इस ट्रॉफी को मैं देख रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी को यहाँ पर दिया है और मैं उनका भी खैर मकदम कर रहा हूँ इस बिल इस बार छेद कल जरूर किया था वहां पर मोहम्मद फैज है जब तक गेंद को फील करते एक कोई रन नहीं यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला तो मोहम्मद आसिफ मोहम्मद कासिम उसके अलावा मैं देख रहा हूँ जहीन खान यानी ये तीनों टाइम पेसर है टीम के अंदर और कोई भी राइट आर्म पेसर अभी तक देखने को नहीं मिला और इनकी अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो इस टीम के अंदर अगर मैं सेमीफाइनल तक का सफर तय करना चाहती है टीम तो मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ से भी गेंदबाजी करवाई जा सकती हालांकि अब नहीं करते पहले करते थे इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि शहजाद भी गेंदबाजी करता है इस बार पैरों पर आती थी गेंद को ड्राइव करना चाहते थे हालांकि गेंद सही तरीके से बल्ले पर जज नहीं हुई बाकी ये काम नो बॉल का ये फैसला है अंपायर का
और एक रन यहाँ पर एकत्रित कर ली टीम ने। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है चार पहुंचती रही ऊपर। बतियाओ मोहम्मद आसिफ को जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी की और गेंदबाजी करने के लिए सुपर ओवर तैयार होते हुए राउंड विकेट गेंद अच्छी गेंद बल्ले पर एज लगी है जहां पर शहजाद फर्स्ट स्लिप में खड़े हैं। गेंद को गेंदर कर लिया, कोई रन कोई नुकसान नहीं। जैसे मैं बता रहा था कि मैं कस्बा माहौल चैनल पर देख रहा हूं कि शेख यासिर अराफात भाई शिव राय और सुनील यादव जो इस वक्त हमसे दूर है लेकिन इस वक्त कस्बा माहौल चैनल पर इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लोगों के लिए कि लोग प्रदेश में बैठे हैं लेकिन इस आजमगढ़ की पिसम कप जो चल रहा है उसको लाइव मुकाबला आप लोग देख पा रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार एक और रूल आउट मार बैठे एक और बल्लेबाज में देख रहा हूं कि पवेलियन की राह जाते हुए और रनों की संख्या की तरफ अगर मैं रुख करूं तो मात्र 13 के योग में 55 के जवाब पर एक तरफा मुकाबला चलता हुआ अब तक सिटी क्लास स्टोर ने अब तक शहनवाज एंड कंपनी ने बड़े अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। उनके सभी खिलाड़ियों ने बासी ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए इस बार नीचे दिली गेंद और सीधे चली गई विकेट कीपर ये दास्तानों ने और मेरे साथ मेरा छोटा भाई मोइस जो इस वक्त कमेंट्री कर रहा है और अभी उम्र में बहुत छोटा है लेकिन ये आएगा ये भी अच्छी कमेंट्री करेगा। आने वाले वक्त में फिलहाल एक अच्छी गेंद और गेंद बोल्ड कर दिया है मोहम्मद आसिफ ने एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ और लगभग इस वक्त 124 लोग कस्बा माहौल चैनल पर लाइव देख रहे हैं मुकाबले को और जहाँ मैं देख रहा हूँ निगरानी कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ भाई आसिफ सदरी जो उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं और अच्छा मुकाबला इस वक्त चल रहा है लेकिन इस मुकाबले में बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन मैं विशाम वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपने इतने अच्छे क्रिकेट टूर्नामेंट का अजमाइश किया ये 5 रन अतिरिक्त आए अतिरिक्त के रूप में सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा फरहान शेख सतीश यादव सबाऊ रहमान भाई जिनका आसिया क्लास स्टोर है अफजल शेख भाई उनके अलावा महताब बादल सूरज मनोज यादव शक्ति यादव फंगी हाट के ऑनर मोहम्मद आरिफ भाई सुबोध इलेक्ट्रॉनिक सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा ये टूर्नामेंट आज अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। तो संभवतः आखिरी ओवर में देख रहा हूँ कि गेंदबाजी करेंगे टीपू हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज है अभी हमारे गेंदबाजी में हाथ आजमाते हुए आखिरी ओवर है यहाँ पर दाउदपुर अपने पूरी तरीके से अपने घुटने को टेक चुकी है और कुछ बहुत कुछ बचा नहीं इस मुकाबले में। तो अब मैं देख रहा हूँ विकेट कीपिंग से मोहम्मद आसिफ भी हटाए जा चुके हैं और अपने फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि लगभग कवर की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ये लीजिए हालांकि ये काम चलाओ ओरिजिनल गेंदबाज है और ये टिंपू गेंदबाजी करते हुए यानी कासिम का ओवर यहां पर कर रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद आखिरी ओवर चल रहा है अगले मुकाबले के लिए टास करवा ले सहजान क्लब खरेवा वर्से जौनपुर अपना टास करवा ले तो आज नुमान का भी मुकाबला होना है दोस्तों और अभी वो मुकाबला इस मैच के बाद संभवतः सेकेंड लास्ट मुकाबला होगा इस मैच के जो मैच बाद होगा उस मैच में उनका मुकाबला होगा और आखिरी मुकाबला पिता और देश का भी खेला जाएगा। तो टीपू का मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन स्पेल और थोड़ी सी अठेलियां करते हुए टीपू हालांकि गेंदबाजी नहीं करते लेकिन मनोरंजन कर रहे हैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं लुत्फ उठा रहे हैं और इसी बहाने कम से कम एक खुश होने का मौका तलाश रहे हैं। अच्छा है कम से कम भाई एक और अच्छी गेंद और यहां पर मैं देख रहा हूं कि ओवर की समाप्ति अगले मुकाबले के लिए टास्क करवा लें टीम कैप्टन सहजान क्लब खरेवा।